कुछ अफवाहें हैं जो आपको पता है, हम लोग हमेशा सेलेब्स जब भी आते हैं उनके सामने से पूछते हैं। तो जिम्मी पाजी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी इस बात के लिए आपसे नाराज रहती हैं कि आपको अपनी फिल्मों के सारे करेक्टर्स के नाम याद रहते हैं लेकिन ससुराल में क्लोज रिश्तेदारों के नाम आप भूल जाते हैं। इसमें अफवाह क्या है? सच है? ओह मीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे तो आप नेगेटिव किरदार से लोगों को डराती हैं लेकिन खुद छिपकली देख के डर जाती हैं। नहीं, छिपकली की टूटी हुई दुम से डरती हूँ। टूटी हुई दुम से? हाँ, ऐसे से। वो ऐसे से उठी रहती है ना, तो थोड़ी देरी करती है, उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, फिर नहीं करती। गुलशन सर के बारे में दो अफवाहें थी, वो दोनों आपने आते खुद ही बता दी है। तो वही था, फ्लाइट में जाने से मना कर दिया वाला, और मोरक्को का वीजा नहीं मिला था क्योंकि शाहरुख खान को मारा था। ये दो अफवाहें थी, सीरियसली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सिर्फ दो ही थी मेरे बारे में। माही, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से इतनी फिल्मी हैं कि जब हिंदी के एग्जाम में कवि के जीवन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता था तो आप शाहरुख खान की कहानी लिख के आती थी। कभी भी नहीं ऐसा किया। ओके, तो ये अफवाह है। अफवाह है। माही, अफवाह है कि आपके नाम से एक शहर में रास्ते का नाम रखा गया है, जैसे सबवे हाईवे होता है वैसे माही वे रखा गया है। पुलकित, आपके बारे में अफवाह है कि आप इतने शर्मीले हैं कि स्विमिंग पूल में भी पूरे कपड़े पहन के चले जाते हैं। अफवाह है। एक अफवाह ये है कि योर ऑनर के शूट के दौरान एक आंटी को आप इतने पसंद आए थे कि दामाद बनाने के लिए वो आपके पीछे पड़ गई थी। नहीं, नहीं, ये सच है। हैं? ये सच है। मैं जिमी सर के साथ जा रहा था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे था और वहाँ पे किसी को लगा कि मैं सही में जिमी सर का बेटा हूँ। अच्छा। ओह माय गॉड। तो वो अपनी बेटी को लेकर आ गई और कहती कि देखो कितने सोने लगते पे हैं साथ में, और आके खड़ा कर दिया मेरे साथ, कह रही कि तेरी शादी तो मैं इसी से करूंगी। तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि वो माँ का क्रश था जिमी सर? आप सबको योराना 2 के लिए ढेर सारी मुबारकबाद और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कपिल सर, कपिल जी, एक बार मेरी दादी बहुत ये शो देखते हैं आपका, एक बार उनको हाय बोल सकते हो? अरे दादी जी, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, और बड़ा प्यारा पोता है आपका, बहुत बहुत मुबारक आपको इस बात के लिए भी। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू जिमी बाजी, थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू पुलकित, थैंक यू मीता जी, थैंक यू माही, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट सर। वो आइए माही, आइए मैम, जोरदार तालियां मेरे पास। अर्चना जी, आपको पता है फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। फादर ऑफ दास दादा किसे कहा जाता है? ये क्या सवाल हुआ? तो आज इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि दास दादा के पिताजी का नाम है मिस्टर खाकेंद्र दास। हाँ? हालांकि उनके ऊपर कोई वेब सीरीज नहीं आ रही, पर वेब सीरीज आ रही है डॉक्टर भूमि जहांगीर भाभा जी और डॉक्टर विक्रम साराभाई जी पे। एक बार जोरदार तालियां। इस सीरीज का नाम है रॉकेट बॉयज, और ये बड़ी ही कमाल की सीरीज लग रही है। तो चलिए, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं यहाँ इस सीरीज की कास्ट को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर जिम सरब, इश्वाक सिंह, रजीना कैसेंड्रा, अर्जुन राधा कृष्णन, दिबेंदु भट्टाचार्य एंड मिस्टर रजित कपूर। आप सभी रॉकेट बॉयज का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। थैंक यू। एनी नर्वसनेस? वेरी नर्वस। मैं कहता हूँ भोरी थोड़ी घबराहट, तो अर्चना जी से थोड़ी सी ले लो, उनका रहता है स्टॉक। हुआ क्या जिम, जब मैंने इनको बताया कि जिम सरब आ रहे हैं, इनको सुनाई दिया शायद जिन और शराब आ रहे हैं।
इन्होंने बर्फ और चखना मंगा लिया। अब इनको पता चला कि अरे जिम सर बाहर है तो ये बर्फ वाले पानी में पैर डुबो के बैठे हैं। वैसे ही नशा चढ़ गया होगा। वैसे हम बोलते हैं जिम सर भाई क्या। वाह दिवेंद्र जी छा गए आप। सर आइए बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। दिस इज सेफ। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई रॉकेट बॉयज के लिए। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, इतना कमाल का है। थैंक यू। नॉर्मली आजकल ना बहुत सारी ऐसी सीरीज आ रही है जहां पे लिखा रहता है ना क्राइम ड्रग्स होल लैंग्वेज ये सब। मुझे लगता है ये सीरीज पे आप लिख सकते हैं कि इंस्पिरेशनल फॉर गुड नॉलेज और हम सबको प्राउड ऑफ इंडिया एंड इंडियंस एक्चुअली। और अच्छा इन सब ने इस सीरीज में बड़े बड़े लोगों के किरदार निभाए, जैसे जिम सर्ब हैं, ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी का किरदार निभा रहे हैं। थैंक यू। इश्वाक जो है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का किरदार निभा रहे हैं, और जो अर्जुन है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का किरदार निभा रहे हैं। Awesome. रजित सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार निभा रहे हैं। सर जब आप इतने बड़े बड़े लोगों के किरदार निभा रहे थे उस समय आइडिया तो हो गया होगा कि इसके बाद प्रमोशन के लिए भी किसी बड़े शो में ही जाएंगे। इसलिए तो यहाँ है। अरे सर इतने बड़े में जाएंगे इसका ऐसा आइडिया नहीं हुआ था, थोड़ा आइडिया था बट बड़ा पता लगा कि हमने बड़ा काम किया। नहीं सर मैं मतलब वेरी ट्रू बट सर मैं ना सीरियसली मैं आप सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड तो था ही, पर रजित सर को मैंने मतलब अपने कह सकता हूँ ना लड़कियां गुस्सा करती हैं जब इतने थे। नहीं इतना नहीं मैं इतना था, पर व्योमकेश बख्शी का सर मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे आप यकीन नहीं करेंगे कुछ कुछ मुझे एपिसोड भी याद है। एक आपने एक बंदा पकड़ा था जो मकड़ी का रस पीता है, जिस आपको पता आपको भी याद होगा। हाँ खैर एनी वेज पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डिटेक्टिव बने थे उसमें मुश्किल से मुश्किल कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लाते थे। हाँ। हमारे शो का एड्रेस ढूंढने में आपको इतना टाइम कैसे लगा? बुलाए नहीं आपने? अरे सर पर आज आप आए बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा रजित सर को द मेकिंग ऑफ महात्मा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है सर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा इन्होंने महात्मा गांधी जी का रोल किया है, उरी में इन्होंने मोदी जी का रोल किया है, इस सीरीज में ये जवाहरलाल नेहरू जी का रोल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बनना आप प्रधानमंत्री चाहते थे? और वो इसके बाद मुझे अब कपिल शर्मा का रोल भी करना है। नहीं बहुत सारे एक्टर हैं ना जो भी पॉलिटिशियन भी हैं, मुझे लगा शायद आप उनको एक हिंट दे रहे हैं कि भाई मैंने तो 1947 से लेके 2022 तक सारे प्रधानमंत्री के रोल कर डाले। लाल बहादुर शास्त्री का नहीं किया अभी तक। वो भी कर लेंगे ये। रजीना मैं वैसे पूरा नाम लेने वाला था फिर मुझसे लिया नहीं गया। रजीना सैंड्रा मैं लिया ना इंट्रोडक्शन मैंने मैं जी हाँ मैंने लिया। मैं दो दिन पहले आपका नाम मंगवा लिया था। मैंने मेरे को ना रजीना कैसेंड्रा कसम से ऐसा लगता कोई महंगी इंपोर्टेड वाइन ऑर्डर की आपने। रजीना कैसेंड्रा। रजीना कहाँ से हैं आप? आई मीन चेन्नई। चेन्नई वही आप अभी मुंबई में रहती हैं? नहीं चेन्नई में रहती हूँ। आई कीप ट्रैवलिंग बिकॉज मैं साउथ में भी काम कर रही हूँ ना, तो आई ट्रैवल थ्रू हैदराबाद चेन्नई बॉम्बे। खास आपके शो के लिए आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे आई हैव टू से दिस बिकॉज साउथ में तो वी डोंट सी टू मेनी ऑफ द हिंदी शोज एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब मैंने सबसे बोला कि आई एम गोइंग टू द कपिल शर्मा शो एवरीवन वाज लाइक यू मेड इट यू मेड इट। ओह माय गॉड रियली? तब तो मैं वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम लाइक कपिल शर्मा एंड आई एम लाइक 30 million followers. 37 million followers. Sorry, see. नहीं नहीं पता नहीं मैं तो कभी नोट नहीं करता पर 38.1 है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.